हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आत्रेय और आज हमारा ये पहला ब्लॉग है इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज बात करने वाले हैं हम गणपति डेकोरेशन के बारे में। तो बहुत ही कम दिन बचे हैं गणपति बापा को आने में और उनकी जोर शोर से तैयारी हो रही है हमारे घर पे। ओके, क्योंकि हम बहुत सालों से इस परंपरा को निभा रहे हैं तो इस बार तो और ही जोर शोर से होने वाले हैं गणपति बापा। हालांकि 3 साल 4 साल बहुत लॉकडाउन चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम थे और मार्केट में बहुत चराव थे और काफ़ी आर्ट की चीज़ें हमें मिली भी नहीं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और हम बहुत ही धमाके से गणपति बापा का वेलकम करने वाले हैं। तो चलिए मैं अब दिखाता हूँ कुछ आपको हमारे अंदर की तस्वीरें। चलिए, मेरे पास जो थोड़ा सा पुराना सामान था जो लॉकडाउन में हमने उससे पहले जो रख के रखा था, तो उस सामान को हम चेक करेंगे कि क्या उससे बन सकता है कुछ डेकोरेशन चीज़ें, तो वो बनाएंगे। और बाकी का अब तो बहुत सारा नया आ गया है मार्केट में, तो वो हम परचेस करने जाएंगे 1-2 दिन में शॉपिंग करने। तो उसकी भी मैं ब्लॉग आपको बताऊंगा कि कितने मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, क्या सामान मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन में। तो चलिए, मेरी ये 2 बड़ी सिस्टर्स है। ओके, ये मेरे से बड़ी है तो अब थोड़ा इनका रिव्यू लेते हैं क्या होने वाला है। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर्स है 2, एक का नाम सुधा दीदी है, एक का नाम सुगंधा दीदी है। और ये थोड़ा सा ये पुराना सामान है हमारे पास। ओके, यहाँ पे हमने कुछ पुरानी माला है हमने लॉकडाउन के अंदर बनाई थी, बैठे बैठे क्या करेंगे अच्छा अच्छा बनाते हैं, तो ये सारी पुरानी माला है। ओके, ये हम ऐसे ही मटेरियल लाएंगे अब गणपति में, इससे भी अच्छा और अच्छा अच्छा बनाएंगे। ओके, तो ये हमने पुराना सामान निकाला है, इसमें से जो अच्छा अच्छा है वो ले लेंगे। ये पेपर्स है जो डेकोरेशन के लिए काम आएंगे। ये अलग अलग पेपर, ये कुछ आपको 15 रुपये में मिल जाएगा एक पीस। ऐसे अलग अलग प्रकार के हमने बहुत सारे पेपर्स लाए हुए हैं, ऐसे तो ये पुराने पड़े हुए पेपर्स है। इसमें से हम अलग अलग फ्लावर्स हैं कि ये का ये जो हमारे रिबिन्स होते हैं उसका फ्लावर बनाया है हमने यार। तो ये है, ये है और हमारे पास देखने लायक चीज़ है तो वो है यहाँ पे फैन। ये हमारी बहुत ही बढ़िया आर्ट है, दीदी ने बनाई है। ये अलग अलग प्रकार की हमने फ्रेम्स बहुत सारी बनाई है, तो इस साल हम कुछ अलग सा डेकोरेशन करेंगे। बहुत सारी बनाई है ये वाली, देखा एक वाली वो डुडले है। तो इस लॉकडाउन में हमें तो ये फायदा हुआ कि हमें जितनी आर्ट कम आती थी उससे ज्यादा आने लगी, क्योंकि क्या है अब बैठे बैठे आराम से कुछ ना कुछ आर्टिस्ट तरीके से हमने किया है। तो बहुत सारी इसे डुडले आर्ट बोलते हैं और कोई लोग तो मंडल आर्ट भी बोलते हैं। ये पूरा पेन और स्केच से ही बनता है, ये सब हमने पूरा कर दिया है डेकोरेशन से ही। ये देखिए, ये इसे थ्रेड आर्ट बोलते हैं। ये ऊनी दोरा जो आता है ना उसमें से बनती है पूरी, इसे खिली विली लगा के बहुत बढ़िया से बनाते हैं। हमारे यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये इसे पेपर आर्ट बोलते हैं, पेपर कटिंग करना पड़ता है इसको। ये बहुत ही हैवी आर्ट है, इसके लिए आपको हाथ बहुत ही शानदार होना चाहिए जिससे आप ये पूरा कट कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, यहाँ पे आपको सब सीखने को मिलेगा। और हम तो आर्टिस्ट है, इसलिए कुछ ना कुछ नया बनाते ही रहते हैं, तो क्या है वो सीखने को भी मिलेगा और आपको भी ऐसे अलग अलग व्यूज आएंगे कि आप आपके गणपति में क्या बना सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकॉन को ऑल कर दे, यानी हमारी सारे ब्लॉगिंग की वीडियो और आर्ट की वीडियो आपको टाइम से पहले मिल जाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए और आगे भी बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, ब्लॉगिंग वीडियो, ट्रैवलिंग वीडियो, फूड वीडियो और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।